देख सकते हैं, मतलब 71, 89, 57 इस प्रकार से व्यूज़ आते थे। लेकिन दोस्तों मैंने जस्ट कुछ चीज़ें को ऐड किया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से मेरे वीडियो का मतलब व्यूज़ इसमें 400 का लगभग आ गया, इसमें 350 है, इसमें 250 है, इसमें भी लगभग 300 का व्यूज़ है और इसमें यहाँ पे 4000 से ऊपर व्यूज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी वीडियो को चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले वीडियो में 500 व्यूज़ है, इसमें भी 500 व्यूज़ है और ये वाले वीडियो में 700 व्यूज़ है। दोस्तों आपने सभी चीज़ ट्राई कर लिया, ठीक है, ना ही आपके वीडियो पे व्यूज़ आ रहा है और ना ही आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब वीडियो अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं, अच्छे तरीके से एडिटिंग करते हैं, टैग टाइटल थंबनेल जो होता है सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं यूज़, लेकिन फिर भी उसके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना तो 100% आपका यहाँ पे व्यूज़ तो आएगा ही, साथ में आपका सब्सक्राइबर भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके वीडियो पे व्यूज़ आता है तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा और जो कि सारा रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर रहता है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो। ठीक है, कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे इस प्रकार से व्यूज़ आता था जिसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि देखो व्यूज़ आएगा तो ही हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको चैनल पे व्यूज़ लाना है, बिना व्यूज़ का आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सारा वो फेक सब्सक्राइबर होगा। ठीक है, सारा बोट वाला सब्सक्राइबर होगा, लेकिन आपके वीडियो पे व्यूज़ आता है और सब्सक्राइबर बढ़ता है तो वो सारा रियल और जेन्युइन सब्सक्राइबर होगा जो कि आपके चैनल से हमेशा कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको व्यूज़ के जरिए सब्सक्राइबर को लेना है ताकि लाइफ टाइम तक वो सब्सक्राइबर आपके साथ रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख लो। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये मेरे कुछ दिन पहले की वीडियो का है। ठीक है, इसमें मतलब 100 से नीचे व्यूज आता था, मैक्सिमम 100 तक जाता था, एवरेज मतलब मैक्सिमम 100 तक, नहीं तो उससे नीचे व्यूज रहता था, 60, 70, 80 इसी प्रकार से रहता था। बट दोस्तों जब मैंने कुछ चीज़ें को इसमें ऐड किया अपने डिस्क्रिप्शन में और टैग में, या तो मैंने कुछ सेटिंग को चेंज किया, उसके बाद मेरे सारे वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आने लगा और व्यूज़ आने लगा तो सब्सक्राइबर भी आने लगा। दोस्तों आप मेरा अभी का देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा हर वीडियो में 400, 500, 600, 700 तक व्यूज़ आता है, कोई कोई वीडियो में 4000, 5000 तक व्यूज़ आ जाता है। जस्ट मैंने छोटा सा सेटिंग को चेंज किया, उसके बाद मेरा चैनल अचानक से अच्छा खासा व्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों आने लगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको भी यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, आपके भी चैनल पे बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज़ दोनों आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करके ग्रे कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कौन सा ट्रिक को यूज़ करना है ताकि आपके चैनल का व्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ओके गाइस, कुछ दिन पहले ना मेरे चैनल पे 100 से नीचे व्यूज़ आते थे। ठीक है, सभी वीडियो में 100 से नीचे व्यूज़ आते थे, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 71, 89, 57 इस प्रकार से व्यूज़ आते थे। लेकिन दोस्तों मैंने जस्ट कुछ चीज़ें को ऐड किया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से मेरे वीडियो का मतलब व्यूज़ इसमें 400 का लगभग आ गया, इसमें 350 है, इसमें 250 है, इसमें भी लगभग 300 का व्यूज़ है और इसमें यहाँ पे 4000 से ऊपर व्यूज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी वीडियो को चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले वीडियो में 500 व्यूज़ है, इसमें भी 500 व्यूज़ है और ये वाले वीडियो में 700 व्यूज़ है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे 250 व्यूज़ है, मतलब इसमें व्यूज़ आ ही रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हो ना अपने चैनल पे बहुत अच्छा खासा व्यूज़ इंक्रीज़ करना, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना, तो दोस्तों इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल रियल और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूँ जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताते हैं। दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो 100% आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ दोनों इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पे होम आ जाते हैं। गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यूट्यूब खुल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं बना रहा हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार से लिख के आपको सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ सबसे टॉप पे आ रहा है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, चैनल की वीडियोस वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पे। बट दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपको जो दिख रहा है यहाँ पे अपलोड डेट, ठीक है, यहाँ एनी टाइम रहेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको दिस वीक कर देना है। ठीक है, दिस वीक करना है, फिर यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइस आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, जो वीडियो सबसे टॉप पे आएगा यहाँ पे दिस वीक सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद जो वीडियो सबसे टॉप पे आएगा आपको उस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो या तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम यूज़ कर लेते हैं। देन आपको करना क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको कीवर्ड दिख रहा है, इन्होंने जो जो अपना डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ किया है, ये सबको आपको कॉपी करना है। लेकिन कॉपी करने के बाद किस प्रकार से यूज़ करना है चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन तो आपको कॉपी करना है, सेम इसका टाइटल भी यहाँ पे कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका लिंक जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये हमारे वीडियो का लिंक कॉपी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं अपने होम में और चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सर्च बॉक्स में चले जाना है और यहाँ पे सर्च कर देना है यू टूल्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे यू टूल्स लिख के सर्च कर दिए हैं तो ये जो यहाँ पे आपका सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, यू टूल SEO टूल्स, ठीक है। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपका मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ से होम आ जाना है। उसके बाद आपको वो वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यहाँ जो यू टूल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टैग एग्जेक्टर का ऑप्शन आ रहा है आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कोई ऐड आएगा तो ऐड को सिंपली कट कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फेस्ट योर वीडियो लिंक हेयर के जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे वो सब चीज़ आ गया जो जो टैग को इन्होंने यूज़ किया अपने वीडियो में, सब्सक्राइबर 100K सब्सक्राइबर। उसके बाद और भी यहाँ बहुत सारे दिख रहा है जो ग्रो यूट्यूब चैनल, ये वाला इन्होंने अपने वीडियो में टैग में यूज़ किया है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों बट आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले जो कॉपी टाइटल दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। यहाँ पे टाइटल कॉपी हो चुका है। देन आपको अपना नोट्स में आ जाना है, ठीक है। सभी के मोबाइल में नोट्स रहता है तो आपको नोट्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक नया सा यहाँ पे नोट्स ले लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद आपको फिर से उसी एप्लीकेशन में चले जाना है। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉपी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी हो जाएगा। फिर से आपको नोट्स में आना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो जो दिख रहा है यहाँ पे नाम, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो लक्की पांड्या करके अपना चैनल का नाम दिया है आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम डालना है। हो सके तो इसका चैनल का भी नाम यहाँ पे रहने देना है, इससे वीडियो जल्दी रैंक होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम ऐड कर देना है, जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ अरविंद जोन, अरविंद जोन यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद और भी कुछ चीज़ें को इसमें ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अपना सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे ऐड करना है। इन्होंने कोई भी सोशल मीडिया का लिंक ऐड नहीं किया है। तो गाइस आपको करने क्या है, अपना सोशल मीडिया का लिंक वगैरह ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि सेम टू सेम उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे लोग करेंगे क्या, उसका सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे और अपने मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन उसका जो टाइटल है टाइटल सेम टू सेम रखना है, जो वीडियो सबसे ऊपर रैंक करेगा उसका टाइटल सेम टू सेम रखना है, उसका टाइटल कॉपी कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो ये सब चीज़ जो दिख रहा है यहाँ पे टाइटल को यहाँ पे यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में जो दिख रहा है और इसी सब कीवर्ड को अपने वीडियो के टैग में भी यूज़ करना है। फिर डेफिनेटली आपके वीडियो में व्यूज़ आएगा तो सब्सक्राइबर अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके को जरूर यूज़ करना, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, आपके वीडियो में व्यूज़ भी आएगा और सब्सक्राइबर भी दोनों आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।